मैं हूं संजना चोपड़ा। विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरजोत सिंह बैंस ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले हरजोत सिंह बैंस खालसे की जन्मभूमि श्री अनंतपुर साहिब में स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक भी हुए। इस दौरान हरजोत सिंह बैंस ने भारी मतों से अपनी जीत का दावा भी किया। देखें सिटी हलचल की है रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरजोत सिंह बैंस ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले हरजोत सिंह बैंस खालसे की जन्मभूमि श्री अनंतपुर साहिब में स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक होने भी पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब के मतदाताओं का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है और वह भारी मतों से जीत कर विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब की जनता की सेवा बिना किसी भेदभाव से करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला बीते लंबे समय से लोगों को लूटने और भय का माहौल पैदा करने वाले नेताओं से है। उन्होंने दावा किया कि जीत दर्ज करने के 48 घंटों बाद ही क्षेत्र में चल रहे नशे और अवैध माइनिंग के कारोबार पर लगाम लगवाने में पहल देंगे। उन्होंने कहा कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले नेताओं ने क्षेत्र का कोई विकास नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि घर घर नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आम जनता को नजरअंदाज कर मात्र और मात्र अपने चहेतों को ही नौकरियां दी। सुने क्या कहा पत्रकारों से बात करते विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरजोत सिंह बैंस ने। आज मेरे वालों अनंतपुर साहिब विधानसभा हल्के तो आम आदमी पार्टी वालों नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है ते साडे सारा परिवार साडे इत्थे अनंतपुर साहिब हल्के की सारी टीम असीं इकट्ठे होके पहला महामाई माता नैना देवी की दरबार नतमस्तक होके हैं तो हुण तक केसगढ़ साहिब अरदास बेनती करके गुरु साहब तो आशीर्वाद प्राप्त करके मैं जाके अपने कागज़ दाखिल करूँगा। तो जिहड़ी कैंपेन है वह कल्ले अनंदपुर साहब हल्के या नंगल शहर च नहीं पूरे पंजाब दे विच एक लहर चल रही है। इस बार पंजाब की आवाम पंजाब की जनता एक मौका केजरीवाल तो भगवंत मान नूं देना चाहती है तो मैनू लगता है कि असी पूर्ण बहुमत दे नाल इस बार पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनावा। प्रायोरिटीज़ उही है जी जिहड़े पांच साल पहला साडे नाल वादे किए गए तो जिहड़े उस तो बाद धोखे हुए तो जिवें लोगों नाल धक्का होया चाहे गल कर लो बेरोज़गारी की वादा किया गया सी घर घर रोज़गार देने का पर लोगों के आम घर के धियां पुत्तों तो नौकरियां खोलियां अपने चहेतियां नूं देतियां जिहड़ियां जिन्नियां कि भी दित्तियां आम घर के बच्चे अज बेरोज़गार ने। साढ़े कोल इस विधानसभा हल्के दे विच हस्पताल नहीं हैगा सानू इलाज कराने लई PGI जाना पैंदा। साढ़े कोल कोई यूनिवर्सिटी है नहीं साढ़े कोल कोई पॉलीटेक्निक कॉलेज है नहीं जिहड़ा कोई पंजाब सरकार चलांदी होवे। इस तों इलावा माइनिंग का मसला जी माइनिंग दे देखो तुसीं साडियां धरती जिहड़ी आ बंजर करती माइनिंग का मसला चंगर दे पाणी का मसला नंगल ट्रक यूनियन का मसला है फैक्ट्रियां बेचतियां फैक्ट्रियां बंद कर दित्तियां ते मसले ही मसले ने। इलीगल माइनिंग बंद करांगे इस हल्के दे विचों जिहड़ा चट्टा चिट्टा बिक रहा किन्नी पाक पावन पवित्र धरती है उसके बावजूद इस धरती के उत्ते सरेआम चिट्टा बिकता वह बंद हो क्योंकि एक वो काम ने जिहड़ा MLA बनते सारी पहले दिन तो रोक सकता। इलीगल माइनिंग चिट्टा बंद करांगे जिहड़ी इत्थे धक्केशाही की राजनीति होंदी सी कदी किसी ते परचा कदी किसी ते परचा वह राजनीति बंद करांगे। ये जिहड़े काम है ये 48 घंटे शुरू करांगे। साडा मुकाबला इन्हां चोरां दे नाल है जी साडा मुकाबला इन्हां दी नीतियां दे खिलाफ है साडा मुकाबला जिहड़ा इन्हां लोकां नाल दगा कीता उन्हां नाल है लोक साडे नाल ने। इह जिहड़ा है 10 मार्च है बड़ी निम्रता दे नाल मैं बेनती कर रहा सी एक एक घर दे कोल साडे सारे साथी एक एक परिवार दे कोल एक एक घर जा रहा तो बहुत वड्डा समर्थन मिल रहा। यह सब बेवकूफी बयानबाजी है जी तो आम आदमी पार्टी इस वारी पंजाब दे विच सरकार बनाऊगी तो अनंदपुर साहब की सीट मेरे अज गुरु साहब के इस पावन धरती तो कह के डर के निम्रता नाल कह रहे हैं कि अनंदपुर साहब की सीट असी रिकॉर्ड मार्जन नाल जितांगे। सिटी हलचल के लिए श्री अनंदपुर साहब से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। नव वर्ष और लोहड़ी के मौके पर सोनी सुजुकी रेलवे रोड नंगल और श्री अनंदपुर साहब की ओर से बम्पर धमाका मात्र 1100 रुपए की डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं सुजुकी कंपनी की कोई भी गाड़ी RC और इंश्योरेंस के साथ। इसके अलावा CSD सुविधा के साथ साथ 1000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और भी बहुत सारे उपहारों के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फोन नंबर 9780102462 और 9780266062 पर तो जल्द करें कहीं मौका हाथ से चूक न जाए।